कुछ भी ना करने की क्रिया है, ध्यान में करना क्या है, केवल शांत बैठना है, चिन मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोहम 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 आपकी कार्य की क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत समर्थ है। ऑफिस आप जाते हैं, थके हुए रहते हैं, उबासियां आती हैं, काम में मन नहीं लगता है, दिन भर थका थका शरीर रहता है, घर में आते हैं चिड़चिड़ाते हैं, काम में मन नहीं लगता है, जरा जरा सी बात में गुस्सा हो जाते हैं, ईगो अंदर पैदा हो जाता है। यह अहंकार आपके जीवन के व्यवसाय को कभी कभी चौपट कर देता है। ज्यादा युगिस्टिक होने से आपका परिवार और समाज नष्ट हो जाता है, व्यवसाय में घाटा होता है, व्यवसाय चौपट हो जाता है। जब आप योग का प्रयोग करते हैं, आसनों का प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम की गहनता को आप प्राप्त होते हैं, तो आपकी सोच सकारात्मक होती है, आपके थॉट्स सकारात्मक होते हैं। जब मन को एकाग्र आप करते हैं तो एकाग्र करने से आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे खील होती है, कीला होता है, जब खील आप गाड़ते हैं यदि उस पॉइंट में नोक होगा तो खील लकड़ी में घुस जाएगी, नोक नहीं होगी तो बहुत परेशानी होगी। ध्यान यदि आपकी एकाग्र होगा तो आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। तो योग की ऊर्जा कमाल की ऊर्जा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका बैलेंस होता है, रेसिस्टेंस पावर आपका बढ़ता है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है और मस्तिष्क शांत होकर तरीके से काम कर पाता है। दोस्तों, योग की ऊर्जा एक कमाल की ऊर्जा है। यदि आप योग का प्रयोग उद्योग रूप में करें, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए करें, तो आपका परिवार, आपका समाज और आपका राष्ट्र एक अनोखे विकास को प्राप्त होगा। हम सुखी, पूरा समाज सुखी, पूरा परिवार सुखी और पूरा राष्ट्र सुखी हो सकता है। चालन क्रिया, पाद मतलब पैर, पैरों से आपको साइकिलिंग करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको साइकिलिंग करना है। जितना आप वॉक करते हैं, यदि केवल आप पेडलिंग करते हैं तो पूरे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। चलिए पीठ के बल आप लेट जाएं, दोनों हाथ की तेलियां जांघ के नीचे रखें,
राइट लेग लेफ्ट लेग से आपको पूरा साइकिलिंग करना है, पूरा पाचन क्रिया करना है। यह क्रिया जांग की पेशियों को मजबूत करने के लिए और यहाँ के भार को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। पेट की मसल्स आपके स्ट्रांग होंगी। यदि रोज आप एक घंटे वॉक करते हैं तो केवल पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर आप पैडलिंग करिए। पैडलिंग आपके हार्ट को मजबूत बनाएगा, रक्तचाप को सामान्य करेगा, मधुमेह में राहत देगा। केवल आप 5 मिनट पैडलिंग करिए और 1 घंटे वॉकिंग का लाभ प्राप्त करिए। जितना वॉक आप करते 1 घंटे तक उसका बेनिफिट केवल आपको 10 मिनट प्राप्त हो सकता है। कम समय में ज्यादा एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, यह पांच चलन क्रिया स्टार्ट। राइट से स्टार्ट करें। दो तीन धीरे, चार पांच छह एंटी क्लॉक उल्टा, एक दो तीन चार पांच छह, पैर वापस ले। अब यही क्रियाएं दोनों पैरों से एक साथ करना है, बोथ लेग। करने से ज्यादा फायदेमंद आपके पाचन क्रिया है। हृदय घात की संभावना इसमें 0% है, क्योंकि आपका हार्ट पृथ्वी गुरु के समानांतर रहता है। पृथ्वी गुरु के समानांतर आपका हार्ट होता है, इसलिए इस एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज में कोई भी नुकसान नहीं है। अब यह क्रिया दोनों पैर से एक साथ, लेकिन यदि आपको सर्वाइकल पेन है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो इस क्रिया को आप ना करें। केवल दाएं पैर और बाएं पैर का प्रयोग करिए। स्टार्ट। एक दो तीन चार पांच एंटी क्लॉक, एक दो तीन चार समाप्त। थोड़ा सा शवासन। शवासन में पैरों के पंजों से लेकर सिर तक की तमाम आकृति को गहरा आराम देते हैं। अब है एक पाद कोणासन क्रिया, यानी एक पैर से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। राइट लेग देन लेफ्ट लेग, दोनों हाथ की तेरियां जांग के नीचे, दायां पैर 90 अंश का कोण राइट लेग। श्वास लेते हुए एक, राइट लेग 90 अंश का कोण, वापिस लाएं, चेंज दो, वापिस लाएं, चेंज तीन। अब दोनों हाथ की हथेलियों से पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। दोनों हाथ की हथेली से पैर के पंजे को पकड़ें, घुटने को पकड़िए और माथे को खींचने का प्रयास करिए। खींचने का प्रयास करें, वापिस लाइए, चेंज चार, वापिस लाएं। अब यही क्रिया है दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैर से एक साथ, एक दोनों हाथ की तेलियों से आप पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए। दोनों हाथ की तेलियों से आप पैर के अंगूठे पकड़ें, दोनों हाथ की तेलियों से आप पैर के अंगूठे पकड़ें, नीचे रखिए,
पैर वापस ले आए। दो फिर से दो हाथ के तेलियों से पैर के अंगूठे पकड़े। वापिस लाए। थोड़ा सा शव आसन। अब धीरे से करवट लेकर बैठ जाइए। पद्म आसन, पीठ आपके सीधे, नेत्र आपके बंद, मन को श्वास पर केंद्रित करने का अभ्यास करिए। लेफ्ट नोस्टल आप से श्वास लेना है, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट कंट्रोल करता है। जब इस प्राणायाम को आप करते हैं तो मानसिक तनाव में कमी आती है। पोजिशन लीजिए, राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, सूर्य चंद्र, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन। चेस्ट मसल्स को फैलाना है, राइट आउट, राइट एंड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड, राइट आउट, राइट एंड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड, राइट आउट, राइट एंड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड, राइट आउट। हाथ पीछे ले आई, इसे एसीटी भी कहते हैं, आर्टरी क्लीनिंग थेरेपी। यदि आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो जो श्राएं और धमनी ब्लॉक हैं, हमारे शरीर के अंदर 90,000 किलोमीटर लंबी आर्टरीज और वेन्स हैं, जिनमें 6 लीटर रक्त प्रवाहित होता रहता है। जब प्राण तत्वों की कमी होती है, प्राण ऊर्जा की कमी होती है, तो वसा का जमाव, कोलेस्ट्रॉल का जमाव जमना शुरू हो जाता है। जब इस प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं, प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है, तो आपकी आर्टरीज और वेन्स क्लीन होना शुरू हो जाती है। इसका अभ्यास मिनिमम 100 बार रोज करना चाहिए, 100 टाइम्स, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट करना चाहिए। मस्तिष्क आपका शांत होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके खत्म होंगे, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आपके खत्म होंगे, डिप्रेशन के प्रॉब्लम आपके खत्म होंगे और अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले आप इस प्राणायाम का प्रयोग करिए, पूजन करने के पहले इस प्राणायाम का प्रयोग करें, आप गजब का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मूर्छा प्राणायाम, नाक से गहरी श्वास लेना है और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकालना है। नाक से इन और मुख से हा करते आउट।
मस्तिष्क को शांत करने के लिए, दिमागी तनाव को दूर करने के लिए, बिल्कुल शून्य होने के लिए इसको केवल आप 20 बार करें, मस्तिष्क बिल्कुल आपका शांत हो जाएगा, इसके बाद ध्यान आपका गहरा होगा। नाक से एन, मुख से हा, 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 नाक से एन, मुख से हा। रिलैक्स हो जाए। बीच बीच में काफी उबासियां आपको आती हैं, प्राणायाम करने के बाद उबासियां आपको पैदा होती हैं, मतलब मस्तिष्क आपके दिमागी थकान को मुख से बाहर निकाल रहा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसी क्रियाएं होती हैं। बिल्कुल अपने आप को शांत महसूस करिए, मस्तिष्क आपके गहरे विश्राम को जा रहा है। इसके बाद ध्यान का प्रयोग बहुत गहरा होता है, प्राणायाम करने के बाद ही ध्यान कहा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान सातवां अंग कहलाता है, प्राणायाम चौथा अंग कहलाता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। योग ऊर्जा, जब आप आसन का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो प्राणायाम श्वासों के अंदर प्राणों की ऊर्जा छुपी हुई है। जिस प्रकार दूध में मक्खन छुपा हुआ है, दूध में घी छुपा हुआ है, उसी प्रकार ऑक्सीजन में, एक्सरसाइजेस में, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में प्राण ऊर्जा छुपी हुई है। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो नेचर से वह एटम आप खींचते हैं, वह अणु खींचते हैं, और आप अपने संपूर्ण शरीर और मस्तिष्क को तरोताजा करते हैं, मस्त करते हैं, शानदार करते हैं। अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हम योग की मदद कर सकते हैं, योग के द्वारा उसको अच्छा बना सकते हैं।